Hey guys, welcome to new video of Airsoft Gun India. Hey guys, welcome to new video of Airsoft Gun India. और आज का वीडियो है मॉड 65 के ऊपर. आप देख सकते हो हमारे पास है मॉड 65. ये एक सिंगल शॉट एयर राइफल है. इसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए. ये बना है किससे है, वुड से. नीचे का ग्रिप आप देख सकते हो ये वुड से बना हुआ है और इसको ब्राउन पेंट किया गया है. ऊपर का पार्ट जो है आप देख सकते हो इट इज मेड अप ऑफ आयरन, लोहे से बना है. और इसमें एक बार में एक पैलेट डाल सकते हैं. ये आप देख सकते हो मेरे पास पैलेट है. दिस इज 0.177 पैलेट. इसके लिए इंडिया में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और इसको आप ब्रेक बैरल करके शूट करते हो, सामने से इसको तोड़ते हो और आप इसको फायरिंग करते हो. आप ऊपर के साइड देख सकते हो, ऊपर साइट है, यहाँ भी आपको साइट मिल जाएगा. पीछे आप देख सकते हो रबराइज ग्रिप है, इसके ऊपर रबर चिपकाया गया है और इसे इंडिया में बनाया गया है, इंडियन के कारीगर ने बनाया है. तो इसे हाथ से बनाया गया है, तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होगी. बट इसके प्राइस जो है, अगर आपने इम्पोर्टेड एयर राइफल देखा होगा तो इम्पोर्टेड एयर राइफल 50-60 हज़ार रुपए का आता है, तो ये सस्ता आता है. तो ये जो लोग स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं शूटिंग में, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. आज मैं आपको इसको फायरिंग करके दिखाऊंगा. हम कोक कैन पे फायर करके देंगे और आपको मजा आने वाला है. तो चलिए इसे फायर करते हैं. आपने देखा इसे कॉर्क कर लिया है, पैलेट डाल रहा हूं. वॉच. कमाल का. पैलेट देखिए डाल दिया. बेस्ट. बेस्ट. आपने देखा ये कितना शानदार है, कितना मजा आया इसको चलाने में. अगर आप इसे परचेस करना चाहें, स्क्रीन पे आपको हमारा वेबसाइट दिख रहा होगा airsoftgunindia.com. हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर के ऑर्डर कर लीजिए. हमारे कॉलिंग का नंबर भी आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर लीजिए. व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए. हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com पे जाइए, ऑर्डर कर लीजिए. हमारे पास क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का भी ऑप्शन है, तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. तो हमारी टीम से बात करिए. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. टिल देन गाइस, हैव फन.